सी तैयारी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में चयनित जितने भी छात्र हैं उनके लिए बिग अपडेट निकल के सामने आ रही है कि प्रथम चरण में जो फर्स्ट बार जो ये मतलब मेरिट लिस्ट आएगी, जो बच्चे सिलेक्टेड होंगे उनको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, कहाँ बुलाया जाएगा इसका स्थान चुन लिया गया है। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या है आगे का प्रोसेस। पहली मेरिट लिस्ट जो आने वाली है उससे पहले जो है नोटिफिकेशन निकल कर सामने आई है। शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के बीच में यह मतलब बातें चल रही है कि कहाँ पर क्या क्या करानी है, किस सप्ताह में आएगी, कैसे कैसे आगे का प्रक्रिया है। देख सकते हो कि अक्टूबर, ठीक है ना, 7 अक्टूबर आज का डेट का ही यह न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। अभी भी जस्ट आई है और मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक बने रहेंगे। और इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो इसी तरीके से मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन है और के पाठक अपर मुख्य सचिव सेवा में वे लिखे हैं और सेवा में सभी जिला पदाधिकारी के पास में यह लेटर लिखा गया है। और विषय है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रथम चरण के संबंध में जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी इसके संबंध में बताया गया है कि आप अवगत है कि माह अगस्त 2023 में अंतिम सप्ताह में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सरकारी विद्यालयों में शिक्षक की भर्ती के लिए परीक्षा ली गई है। उक्त परीक्षा का परिणाम शीघ्र ही घोषित होने की आशा है, मतलब जल्द ही यहाँ पर रिजल्ट जारी होने की आशा है, ठीक है ना। तो परिणाम घोषित होने के बाद पश्चात शिक्षा विभाग को बड़ी संख्या में शिक्षकों के योगदान एवं अनौपचारिकता को पूरा करना होगा। मान लीजिए कि जो भी बच्चे यहाँ पर पास होंगे तो बड़ी संख्या में शिक्षकों का योगदान भी देना होगा, सब चीज़ करना होगा। तो इस हेतु अनुरोध है कि आप जिला मुख्यालय में एक ऐसा स्थल चयनित कर ले, मतलब बोला गया है कि आप अपने जिला में एक ऐसा मुख्यालय चयनित कर ले जहां औसतन, मतलब औसतन बोला गया है एक बार में 2 से 3 हज़ार के बीच में शिक्षकों के योगदान की प्रक्रिया जो है 4 से 5 दिनों के भीतर कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। ज़्यादा समय नहीं टरना है, 4 से 5 दिन में यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। प्राप्त अनुभव के आधार पर इस पर काम के लिए आपके जिले में उपलब्ध जिला के निबंधन एवं परामर्श केंद्र DRCC पूर्णतः उपयुक्त साबित होगा। उनका कहना है कि DRCC इसके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त एक अल्टरनेट स्थल का भी चयन करना कर बतौर बैकअप तैयार किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और अल्टरनेट यहाँ पर कोई भी स्थल चुना जा सकता है जहाँ पर किसी कारणवश वहाँ पर बैकअप के लिए मतलब कुछ हो जाए तो फिर उस स्थान पर जाके चयनित किया जा सके, या कोई बच्चा छूट जाए तो इसके लिए एक रिजर्व रखा जाएगा। तो मतलब ये भी बोला गया है कि आप एक बैकअप के लिए एक और जगह चुन लेना है। केंद्रीयकृत तरीका से एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिस तरीका से केंद्रीयकृत होता है, जो सेंट्रलाइज्ड तरीके से होता है, अतः सभी प्रकार की ज्वाइंट फॉर्मेलिटीज़ ऑनलाइन ही होगी। सभी तरीक़े के यहाँ पर जो भी फॉर्मेलिटीज़ होगी सब ऑनलाइन ही होगी। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो भी ऑनलाइन होगा। चेक करने के बाद में ऑनलाइन में ही अपडेट दे दिया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गया है या रिजेक्ट हो गया या पार्शियल वेरीफाइड है। सब चीज़ आपको जो है ऑनलाइन ही सूचित कर दिया जाएगा, वहीं से आपका सब चीज़ ऑनलाइन पर ही रिकॉर्ड रहेगा। वही एक सॉफ्टवेयर बनाया गया एवं सभी अनुशंसित शिक्षकों की जो है बायोमेट्रिक प्रणाली से पहचान करते हुए ज्वाइनिंग होगी। आपकी जो है ज्वाइनिंग से पहले जो है बायोमेट्रिक के माध्यम से पहचान होगा कि हाँ क्या आप ही हैं कि नहीं वाकई में, ठीक है ना। आपके जगह पर दूसरा कोई नहीं जॉब ले सकता है, इस तरीके की बातें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, मतलब फर्जीवाड़ा रोका जा रहा है। तो इसके लिए बायोमेट्रिक प्रणाली का पहचान करते हुए ज्वाइनिंग होगी। अब देखिए उपयुक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में अग्रोत्तर कार्रवाई करते हुए माह अक्टूबर 2023 के मध्य में शिक्षकों के योगदान की संभावना को देखते हुए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र DRCC एवं एक बैकअप केंद्र की व्यवस्था स्थापित करने की कृपया की जाए। फ्रेंड्स, आप लोगों का अब समय बहुत ही नज़दीक आ रहा है। यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है कि अक्टूबर के मध्य, मतलब जो है 15, 16, 17, 18, 20 तक यहाँ पर सब चीज़ क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि आपका अक्टूबर महीना जो है बहुत ही खास होने वाली है आपके लिए खास करके, और जो है यहाँ पर व्यवस्था स्थापित करने की कृपया की जाए। इन केंद्रों में पर्याप्त संख्याओं में कंप्यूटर, प्रिंटर, UPS एवं बायोमेट्रिक डिवाइस स्थापित करने की भी कृपया की जाए। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बोल रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में, ताकि कम ना हो, वहाँ पर कंप्यूटर, प्रिंटर, UPS, बायोमेट्रिक डिवाइसेस स्थापित करने की भी कृपया की जाए, जिसका पूरा व्यय शिक्षा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा और इसका जो भी खर्चा होगी सब जो है शिक्षा विभाग द्वारा
आपको मिला जाएगा, ठीक है ना। शिक्षकों की ज्वाइनिंग की तिथि विभाग द्वारा आपको शीघ्र ही सूचित कर दिया जाएगा। शिक्षकों की कब ज्वाइनिंग होगी विभाग के द्वारा जो है जल्द ही यहाँ अपडेट कर दिया जाएगा। तो यही अपडेट पाने के लिए फ्रेंड्स इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन में क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो आपको जब भी मैं पोस्ट करूँगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।